Kids, I am again here with English subject. So, in your previous class, you have learned about letter F. So, what comes after F? What is this, beta? This is G. F के बाद कौन सा letter आता है? G. Which letter is this? Small G. And what is the sound of G? G. What is the sound of G? G. And G for grapes, G for goat, G for gate, G for glass, G for grass, G for gun, G for girl. So let's revise about G. Which letter is this? Small G. And what is the sound of G? G. And G for grapes, G for goat, G for gate, G for glass, G for grass, G for gun, G for girl. So, हमने G का sound सीखा और G for क्या क्या चीजें होती हैं उसमें से कुछ चीजें हमने सीखी. Now we are going to write. So take out your English copy, beta. So children, I have taken out my copy. You also take out your copy. Mention today's date, HW, roll number and name. तो बेटा अभी हमने फर्स्ट क्लास में F लेटर सीखा था. अभी सेकेंड क्लास में हम what comes after F? G. F के बाद G आता है. तो इस क्लास में हम G राइट करना सीखेंगे. ओके? So what is the sound of G? अभी मैंने आप लोग को बताया G. What is the sound of G? G. What is the sound of G? G. G for grapes. G for glass. G for grass. G for girl. इसमें जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारी गर्ल्स भी तो हैं, बॉयज तो हैं बट गर्ल्स भी तो हैं. तो जितनी गर्ल्स हैं आप लोग G for girls हो, G for girl हो आप सब. G for grapes, G for glass, G for grass, G for girl. तो कौन कौन गर्ल इसमें राइटिंग आज कर रही है, हैंड्स अप करिए अपना अपना. और सब लोग, सारी गर्ल जो हैं वो अपनी मम्मा को बोलेंगी, मम्मा मम्मा आई एम अ गर्ल. क्या बोलेंगी? आई एम अ गर्ल. अब चलिए जी राइट करना स्टार्ट करते हैं. सबको स्मॉल ए बनाना तो आता ही, आपने सीखा था. ऐसे यहाँ तक जाएंगे, फिर स्ट्रेट लाइन लेके नीचे आएंगे और हल्का सा कर्व कर देंगे. ठीक है, ऐसे जी बनाना है. लाइक दिस. जैसा नाइन होता है ना वैसा. जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर ग्लास, जी फॉर ग्रास, जी फॉर गर्ल. एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ जी? व्हाट इज द साउंड ऑफ जी? ग. व्हाट इज द साउंड ऑफ जी? ग. व्हाट इज द साउंड ऑफ जी? ग. व्हाट इज द साउंड ऑफ जी? Like you have to complete this page. Now it's completed, children. So you have to write like this. आप लोग ऐसे ही जी लिखोगे. कुछ बच्चे ऐसे write कर देते हैं, like this, ऐसे कर देते हैं. So it is wrong. ऐसे किसी को भी write नहीं करना है. It is wrong. इस तरह किसी को write नहीं करना है. ऐसे मैं cut कर दूंगी जो ऐसे भी write करेगा. ये कर्सिव जब हम लिखना सीखेंगे तब ऐसे बनाएंगे. अभी आपको ऐसे ही राइट करना है. ओके? सो डू वेल, सेंड मी पिक्चर. ओके? नाउ बाय बाय.